हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका एक और वीडियो में, जहाँ पे मैं एक और मंदिर जा रहा हूँ। जहाँ दोस्तों मंदिर ही जा रहा हूँ, क्योंकि अभी तक हम मंदिर ही एक्सप्लोर कर रहे हैं। पुणे में पिंपरी में एक वैष्णो देवी माता का मंदिर है, जो एक्चुअल मंदिर है जो जम्मू कश्मीर में, उन्हीं का एक रेप्लिका है। तो हम यहाँ पे जा रहे हैं भाई, और हम जो नॉर्थ वाले हैं, नवरात्रि हमारी आज से शुरू हो रही है। महाराष्ट्र में जो गुड़ी पाड़वा, जो महाराष्ट्र का जो न्यू ईयर है, उसकी शुरुआत आज से हो रही है। तो आप सभी को गुड़ी पाड़वा की ढेरों शुभकामनाएं। हम जैसे कि नवरात्रि वगैरह में दो नवरात्रि मनाते हैं, तो इसीलिए जो पहली नवरात्रि आज पहला दिन था, प्रीति का फास्ट है, हम जा रहे हैं माता जी का दर्शन करने। तो आप भी चलिए हमारे साथ में दर्शन करिए। पिंपरी का जो वैष्णो देवी माता का जो मंदिर है, उसके बारे में जानिए। और आप भी अगर आसपास कहीं रहते हो तो बिल्कुल उस मंदिर को विजिट कर सकते हो। पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों घर से तो मैं बहुत खुशी निकला, बाहर निकला, उसके बाद में अपनी एक्टिवा बहुत अच्छे से ठीक करी मैंने, साफ सफाई अच्छे से करी, उसके बाद मैं एक्टिवा लेकर निकल गया बाहर। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे कुछ सामने कुछ ऐसा फेस करने को मिलेगा जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जी हाँ दोस्तों, मैंने एक्चुअली क्या गलती करी, घर से निकलने से पहले मैंने एक्टिवा का अपना एक नाम सोच के रखा है। प्रीति से मैंने वही डिस्कस करा कि भाई इसका नाम मैं चेंज कर दूंगा, आगे जो महादेव का जो मैंने सिंबल लगाया हुआ, जो तिलक मैंने लगाया हुआ है, उसे निकाल के एक सुंदर सी लड़की का फोटो रख दूंगा। प्रीति ने मुझे गुस्सा भी करा इसके ऊपर, और ठीक है मैंने मस्ती में ऐसा बोला था, जनता माफ नहीं करेगी। और जैसे ही मैं आगे गया और थोड़ा दूर जाने के बाद में, जैसे मैं सिग्नल पर वेट कर रहा था, मेरी गाड़ी बंद हो गई। अब मेरी मतलब समझ में नहीं आ रहा था मुझे करना क्या है। उसके बाद में मैं पास में गया और गैरेज ढूंढने लगा। पास में लकीली मुझे गैरेज मिल गया, पता चला कि उसकी बैटरी खराब हो गई है। तो मुझे मतलब इतनी सजा इसकी मिली कि मुझे उसकी बैटरी चेंज करवानी पड़ी। भाई साहब ने मुझसे 950 रुपये ले लिए मतलब, और थोड़ा सा फटका बैठ गया मेरे पॉकेट के ऊपर। ठीक है, वो अलग वीडियो में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि अगर आपकी एक्टिवा की बैटरी वगैरह खराब हो जाती है तो उसके बारे में क्या है, सब कुछ आपको एक अलग से वीडियो मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो फिर वहां से सब कुछ कराने के बाद में मैं वहां पे पहुंच गया। पिंपरी में आता है आपका वैष्णो देवी का जो मंदिर है, और अगर आप नियरेस्ट रेलवे स्टेशन की बात करेंगे तो जो पिंपरी रेलवे स्टेशन है, सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है, 650 से 700 मीटर की ही दूरी पे आपका ये मंदिर पड़ता है। और उसके अलावा अगर आप चिंचवड़ से आते हो तो 3.5 किलोमीटर है। पुणे से अगर आप आते हो तो लगभग यहाँ से आपको 14 से 15 किलोमीटर बाई रोड पड़ जाएगा। तो आप गूगल मैप के तरीके से हेल्प से आप आ सकते हो। शास्त्री नगर में आता है, पिंपरी गाँव के पास में ही है मंदिर, और एक तरीके से रेप्लिका बनाया गया है जो जम्मू कश्मीर में, जो कटरा में जो रियल वैष्णो देवी माता का मंदिर है वहाँ पे, उन्हीं का एक रिप्लिका यहाँ पे पिंपरी में बनाया गया। दोस्तों बाहर पार्किंग की कोई ऐसा अलग से स्पेस नहीं है, जो भी आपको फ्री जो स्ट्रीट पार्किंग मिलेगी आपको वहाँ पे, अगर जगह रहेगा तो अपनी गाड़ी आप पार्क कर देना। जैसे आप आगे आओगे आपको दोनों ही तरफ कुछ ऐसी दुकानें मिलेंगी जहाँ से आपको हार फूल या जो भी ऐसी चीज़ें जो श्रृंगार के सामान जो माता को चढ़ते हैं आप वहाँ से ले सकते हो और माता को चढ़ा सकते हो। आपको जो बजट होगा मैं आपको बता दूँ वहाँ पर कितना लगने वाला है। मैंने पूछा तो जो थाली थी उसमें एक नारियल था, कुछ श्रृंगार के सामान थे और चुनरी थी, 100 रुपये का उन्होंने मुझे बोला मतलब। और पास में ही जो दूसरे अंकल थे वहाँ पे हार फूल दे रहे थे, प्रसाद था, 20 रुपीज़ की थाली जब मैं गया था। तो हमने उसके बाद में लिया उसे, और उसके बाद फिर हम आगे गए। जो नॉर्मल जब भीड़ होती है तो भीड़ को सेग्रेगेट करने के लिए वहाँ पे अलग अलग से मतलब ऐसा बना रहता है जैसे किसी भी मंदिरों में होता है, वहाँ पे भी 2-3 लाइन बनी हुई थी। लेकिन हमारे टाइम कोई ज़्यादा भीड़ नहीं थी तो हम एम ए वहाँ से क्रॉस करके आगे निकल गए। जब अंदर आप जाओगे तो सामने ही दोस्तों वहाँ पे गणपति बप्पा का मंदिर मिलेगा। वहाँ पे मैं आपको आगे बताऊंगा कि गणपति बप्पा के मंदिर के बारे में क्या है। तो सबसे पहले गणपति का दर्शन करना चाहिए, बट हम वहाँ से जो माता के वैष्णो देवी के मंदिर में चले गए थे तो वहाँ पे हम अंदर गए। अंदर आपको वहाँ पे मतलब कुछ ऐसे शिला मिलेंगे, कुछ ऐसे पत्थर मिलेंगे, झरने जैसे वहाँ पे पानी गिरता रहेगा और काफ़ी अच्छा लगता है देखने के बाद में। जब आप अंदर एंटर करोगे वहाँ पे भी एक गणपति बप्पा का छोटा सा मंदिर है और थोड़ी सी जगह है जहाँ पे लोग बैठ सकते हैं, कुछ लोग वहाँ पे मतलब खड़े भी रहते हैं एज यूजुअल। और अंदर जो एंटर करने का जो एंट्रेंस है एक आपको सर्कल में मिलेगा, गुफा के जैसा है। जब आप अंदर जाओगे तो कदम रखते ही मुझे वहाँ पे पानी मिला, थोड़ा सा सरप्राइज मेरे लिए हुआ क्योंकि मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे ऐसा कुछ होगा। और चारों तरफ से मतलब गुफा के जैसे पत्थर दिख रहे थे और नीचे पानी था, तो पानी में से आपको जाना था और काफ़ी अच्छा लग रहा था। मतलब पहली बार मतलब मैं यहाँ पे गया हुआ था, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, लोग बहुत शांत जा रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने लोगों को बोला कि जोर से बोलो, प्रेम से बोलो, सबने जय माता दी बोला, फिर मैंने बोला सारे बोलो। तो इस तरीके से मिलकर माता जी को, और अंदर जाने के बाद वहाँ पे एक टाइम के बाद में कैमरा अलाउड नहीं था तो मैंने वहाँ पे वीडियोग्राफी अपनी बंद कर दी। माता जी का दर्शन किया अच्छे से, माता जी से अपने लिए भी बहुत कुछ मांगा,
आपके लिए भी बहुत कुछ मांगा और दर्शन करने के बाद में, प्रसाद लेने के बाद में वहां से बाहर आ गया। बाहर आने के बाद में दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पास में ही गणपति बप्पा का मंदिर है। दूसरी चीज दोस्तों मैं यहाँ पे भूल गया आपको बताना कि आपका जो चप्पल वगैरह रखना है, तो एज यूजुअल अगर आपको जहां से भी आप प्रसाद वगैरह लोगे वहां पे आप रख सकते हो। इन सब के अलावा मंदिर के जस्ट सामने एक चप्पल स्टैंड भी रखा हुआ है और काफी मतलब उसकी स्थिति ठीक ठाक नहीं थी, मतलब एक सेक्लूडेड प्लेस में मुझे लगा, वहां पे मेरी नजर भी नहीं गई स्टार्टिंग में। और जब मैं मंदिर में, जब गणपति बप्पा के मंदिर में जाने लगा तो वहां पे मुझे दिख गया था, तो वहां पे भी आप अपना चप्पल रख सकते हो। गणपति बप्पा का जो सामने मंदिर है काफी अच्छा मंदिर है, वहां पे भी हम गए। अंदर जाने के बाद में दर्शन किया हमने, प्रदक्षिणा करी और उसके बाद में जो मंदिर के प्रिमाइसिस में कुछ ऐसे और भी गणपति बप्पा हैं जो अलग अलग उनके अवतार हैं, उनके वहाँ पे फोटोज रखे हुए हैं, उनके वहाँ पे मूर्तियाँ रखी हुई हैं। काफ़ी शांत वहाँ पे भी मतलब माहौल रहता है, आप वहाँ पे बैठ के पूजा कर सकते हो। पूजा करने के बाद जब आप बाहर आओगे तो वहाँ पे आपको श्रीदत्त भगवान का एक मंदिर मिलेगा, वहाँ से भी आप मतलब अपनी पूजा अर्चना करने के बाद में प्रिमाइसिस में ही यहाँ पे एक थोड़ा सा नल वगैरह रखा हुआ है जहाँ पे आप अपने हाथ पैर धो सकते हो। थोड़ा सा अगर आपको बैठना होगा तो आप वहाँ पे बैठ भी सकते हो, पर फैन लगे हुए हैं, बट फैन चल नहीं रहे थे और जरूरत भी नहीं है क्योंकि काफ़ी ओपन प्रीमाइसिस वहाँ पे गणपति बप्पा का भी है और आप आराम से वहाँ पे बैठ के अपने फैमिली के साथ में कुछ बातचीत कर सकते हो। और उसके बाद में अगर आपको जाना हो तो आप वहाँ से निकल सकते हो। दोस्तों जो वैष्णो देवी माता का जो मंदिर है, इनके अगर मैं टाइमिंग की बता दूँ तो सुबह 6 बजे मंदिर खुल जाता है, रात के 10 बजे तक खुला रहता है, दोपहर में 1 से लेकर 3 बजे तक मंदिर आपका बंद रहता है, और मंगलवार को 1 से लेकर 4 बजे तक 3 घंटे के लिए मंदिर आपका बंद रहता है, बाकी पूरा दिन ऐसा खुले ही रहता है। आरती की अगर मैं बात करूं तो सुबह 6 बजे की आरती सबसे पहली आरती होती है और जो शाम की आरती होती है शाम को 7:30 से लेकर 8:30 के बीच में आपकी आरती होती है और मंदिर पूरे ही दिन खुला रहता है, किसी भी दिन मंदिर बंद नहीं होता है। तो दोस्तों लगभग 30 से 45 मिनट में हमारा वैष्णो देवी का भी दर्शन हो गया, सामने जो गणपति बाबा थे उनका भी दर्शन हो गया। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरी डिटेल यहाँ पे बताने की कोशिश की है। अगर आप पुणे में हो, अगर आप पिंपरी चिंचवड़ में कहीं रहते हो आसपास के क्षेत्र में, चैत्र नवरात्रि का समय चल रहा है, आपकी अगर इच्छा होगी देवी दर्शन करने के लिए तो बिल्कुल आप ये वीडियो देखिए और जिस तरीके से मैंने आपको बताया उस तरीके से आप जाइए, माता जी के दर्शन करिए, आशीर्वाद लीजिए। हमने भी सब कुछ करने के बाद कुछ फोटोज वगैरह ली और एज यूजुअल फिर वहाँ से हम निकल गए। निकलने के पहले कुछ बोलना है जरा उसे भी सुन लो। तो दोस्तों दर्शन वगैरह बहुत अच्छे से हो गया भाई और आशा करता हूँ कि आपने भी इस दर्शन का पूरा लाभ लिया होगा। माता जी और जो गणपति बप्पा के मंदिर में आए थे इनकी ब्लेसिंग्स और इनके आशीर्वाद आपने लिए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। प्लीज चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तुम कुछ कहना चाहोगे? और कल जाएगी वीडियो बट हमने आज शूट किया है तो आज फर्स्ट डे नवरात्रि का, सो आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। पता नहीं कल जाएगी कि पता नहीं कब आएगी क्योंकि अभी मेरी उज्जैन की सीरीज चल रही है दोस्तों, तो कभी भी आएगी। आप सभी को गुड़ी पाड़वा की फिर से ढेरों शुभकामनाएं।